सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको ASO टेस्ट के बारे में बताया था, उसके साथ कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका प्रोसीजर क्या है और एक्चुअल में ASO होता क्या है वो बताया था। अब उसमें ही हमने एक डिजीज जो बताई थी ASO की, डिजीज एसोसिएटेड विद ASO में हमने बताया था एक रोमैटिक फीवर होता है। नाउ व्हाट इज रोमैटिक फीवर, ये मैं आपको बताती हूँ रोमैटिक फीवर क्या होता है। सो पहला है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज दैट कैन डेवलप व्हेन स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फीवर इज नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड। ये एक ऐसी डिजीज है, अगर किसी को स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, गले में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो आप जब वो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर आप स्ट्रेप थ्रोट को या गले की इन्फेक्शन को प्रॉपर खत्म नहीं करोगे, तो वो जब वो डिजीज बिगड़ जाती है तो उसको हम नाम देते हैं रूमेटिक फीवर का। सो रूमेटिक फीवर मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स चिल्ड्रन एजेस 5 to 15 ईयर्स। ये जो रूमेटिक फीवर है ये मोस्टली किन में पाई जाती है, बच्चों में 5 to 15 ईयर्स की एज में, बट इट कैन डेवलप इन यंगर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। बट ये यंगर चिल्ड्रन और एडल्ट्स में भी हो सकती है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। देन रूमेटिक फीवर कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू द हार्ट। रूमेटिक फीवर अगर हो जाए तो ये एक आप हमारे हार्ट को भी परमानेंटली डैमेज कर सकता है, इंक्लूडिंग डैमेजिंग द हार्ट वाल्व्स को कर सकता है एंड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। सो रूमेटिक फीवर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम चाह के मीन्स हमें इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि गले में इन्फेक्शन वगैरह है कुछ भी, तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एंटीबायोटिक लेके उसको ट्रीट करना चाहिए। अगर ये प्रॉपरली ट्रीट ना हो तो ये रूमेटिक फीवर की फॉर्म में बाहर आता है, और रूमेटिक फीवर जो है वो हमारे हार्ट फेलियर में बहुत बड़ा कारण बनता है। दिस ट्रीटमेंट कैन ईज पेन, रिड्यूस डैमेज फ्रॉम इन्फ्लेमेशन एंड प्रिवेंट अ रेकरेंस ऑफ रूमेटिक फीवर। तो अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो क्या होगा, जो हार्ट फेलियर होना है वो नहीं होगा, तो हमें इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना ही चाहिए। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं रूमेटिक फीवर के, कि एक तो आपको फीवर आएगा, कॉन्टिन्यूसली आएगा और वो टूटेगा नहीं। दूसरा, पेनफुल एंड टेंडर ज्वाइंट। ठीक है, आपको घुटने में दर्द होगी, आपके जो बॉडी के ज्वाइंट्स हैं वहां पे नी पेन होगी, एंकल में पेन होगी, तो इनमें मोस्टली आपको एल्बोज में, रिस्ट में, एंकल्स में, नीज में पेन होती है। देन पेन इन वन ज्वाइंट दैट माइग्रेट्स टू अनदर ज्वाइंट। आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सबसे पहले एक ज्वाइंट में पेन होगा, फिर आपको उससे दूसरे ज्वाइंट में पेन हो, तो आपके ज्वाइंट्स में पेन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। देन रेड हॉट और स्वॉलन ज्वाइंट्स, आपके जो ज्वाइंट्स में रेडिशनेस होना शुरू हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि स्वेलिंग भी हो गई है। तो ये सारी डिजीजेज सिम्टम्स हैं किसके, रूमेटिक फीवर के। तो रेड या रेडिशनेस हो जाना, उसके बाद चेस्ट पेन होगी, इसका एक सिम्टम है। देन फैटीग, मोटापा हो जाना। देन स्मॉल पेनलेस बम्प्स बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे एक स्मॉल पेनलेस बम्प्स, जैसे छोटे छोटे से रिजिस बन जाने स्किन के अंडर, बट उनकी पेन नहीं होती है, तो ये भी एक सिम्टम है रूमेटिक फीवर का। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लें, जैसे कि मैंने आपको ASO में भी बताया था, अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लेते हैं स्ट्रेप थ्रोट का, तो आप रूमेटिक फीवर की डिजीज से बच सकते हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, रूमेटिक फीवर कैन कॉज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हार्ट डैमेज। अगर आपको रूमेटिक फीवर हो जाता है, तो अगर किसी पर्सन को रूमेटिक फीवर हो जाए तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन है रूमेटिक फीवर से रिलेटेड, वो है नैरोइंग ऑफ अ हार्ट वेल्व। हार्ट का जो वेल्व होगा वो नैरो हो जाएगा, जो पाथ होता है ऑक्सीजन और ब्लड के फ्लो के लिए वो कम हो जाएगा, जिसको हम वेल्व स्टेनोसिस भी कहते हैं। वेल्व स्टेनोसिस क्या होता है, नैरोइंग ऑफ हार्ट वेल्व। सो दिस डिक्रीजेस ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। देन लीकी हार्ट वेल्व, वेल्व रीगर्जिटेशन जिसको हम कहते हैं, ब्लड फ्लो बैकवर्ड्स अक्रॉस द वेल्व। मीन्स जो आप जैसे ब्लड फ्लो जाता है, इसमें क्या कहते हैं, ब्लड फ्लो करता है हार्ट की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से वापस आता है, डीऑक्सीजनेटेड लेके जाते हैं, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वो पूरी बॉडी में सप्लाई करता है कौन, हार्ट। लेकिन
देन एक आता है लीकी हार्ट वेल्व, जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो करना शुरू हो जाता है अक्रॉस द वेल्व। देन डैमेज टू हार्ट मसल्स, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो भी इसमें डैमेज हो जाते हैं। क्यों? किसकी वजह से? जो इन्फ्लेमेशन होती है रूमेटिक फीवर से, वो क्या करती है, हार्ट के मसल्स को वीक कर देती है, जिसकी वजह से वो जो पंप करने की एबिलिटी जो होती है वो उसकी कम हो जाती है। अब डैमेज टू हार्ट वेल्व और अदर हार्ट टिश्यूज कैन लीड टू इरेगुलर चाओटिक हार्ट बीट, जिसको हम आर्ट्रियल फिब्रिलेशन भी कहते हैं, और हार्ट फेलियर लेटर इन लाइफ। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर डैमेज हो जाए हार्ट के मसल्स को, या नैरो हो जाए हार्ट वेल्व, या फिर वेल्व रिगर्जिटेशन हो जाए, मीन्स हार्ट वेल्व वीक हो जाए, जो ब्लड जो है वो वेल्व के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट के फेलियर के, या जो हार्ट बीट करता है वो बड़ा स्लोली बीट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक हार्ट फेलियर आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है। देन आता है प्रिवेंशन, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। द ओनली वे टू प्रिवेंट रूमेटिक फीवर इज टू ट्रीट स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन और स्कारलेट फीवर प्रॉम्प्टली एंड कम्प्लीटली विद द फुल कोर्स ऑफ एप्रोप्रिएट एंटीबॉडीज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपका गला पक जाता है, स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती है आपको, तो आपने क्या करना है, या स्कारलेट फीवर हो जाता है, तो आपने उस फीवर का और स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, पूरी एंटीबायोटिक खाके जब तक आपका पूरा स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए तब तक आपने एंटीबायोटिक खानी है, पूरे डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना है, और जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा देन हम इसको रूमेटिक फीवर की फॉर्म में नहीं ला सकते हमारी बॉडी, क्योंकि अगर यही ठीक नहीं होगा तो ये आगे जाके रूमेटिक फीवर की फॉर्म ले लेती है। सो दिस वन इज अ वीडियो अबाउट रूमेटिक फीवर। अगर आप वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मैं चाहूंगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट कोई भी अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ तो आपको सबसे पहले उसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाए और आप उसको देख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।